बदलते समय के अनुसार हर काम डिजिटल होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि इन दिनों कैशलेस पेमेंट की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चल रही है और शहर की हर छोटी बड़ी दुकान पर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। POS को हिंदी भाषा में बिक्री बिंदु भी कहा जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से POS मशीन की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि आप POS मशीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये कितना सुरक्षित है। तो आइए जानते हैं POS मशीन आखिर क्या है। क्या होती है POS मशीन? POS मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो पुराने मॉडल मोबाइल फोन के जैसी दिखती है। इसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। इस मशीन के जरिए ग्राहक और कारोबारी के बीच बिना नकदी पैसों का लेन देन किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। POS मशीन में डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके लेन देन की प्रक्रिया पूरी होती है। क्या है POS मशीन की कीमत? POS मशीन बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इतना ही नहीं, आप अपने बजट के अनुसार इस मशीन की खरीदारी भी कर सकते हैं। यदि आपका बजट कम है तो आप इस मशीन को 25,000 रुपए में भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसकी कीमत लाखों रुपए में भी होती है। कैसे किया जाता है POS मशीन का इस्तेमाल? जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट की खरीदारी करता है या फिर कोई सर्विस लेता है, उस दौरान POS मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहक POS मशीन के द्वारा कार्ड स्वैप करके प्रोडक्ट या सर्विस का भुगतान करता है। बता दें कि जब कोई ग्राहक नकदी रकम ना देकर अकाउंट से पेमेंट करता है तो ऐसे में POS मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या ग्राहक POS मशीन से अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है तो पेमेंट ग्राहक के बैंक अकाउंट से कटकर विक्रेता के अकाउंट में चला जाता है। इसके बाद POS मशीन से दो रसीदें प्राप्त होती हैं जिसमें पेमेंट किए गए लेन देन का हिसाब लिखा होता है। मशीन से प्राप्त रसीद एक ग्राहक को दे दी जाती है और दूसरी कारोबारी अपने पास रख लेता है। कहाँ होता है POS मशीन का इस्तेमाल? वैसे तो POS मशीन का इस्तेमाल किसी भी जगह पर किया जा सकता है। यदि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं तो आप POS मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि POS मशीन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, किराने की दुकान और शॉपिंग मॉल जैसी जगह पर किया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल तो पुलिस वाले भी भुगतान वसूलने के लिए POS मशीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स के डिलीवरी बॉयज भी लेन देन का हिसाब POS मशीन के जरिए ही करते हैं। क्या होता है POS सेटलमेंट? बता दें, जब POS के जरिए भुगतान किया जाता है तो ग्राहक के अकाउंट से पैसे तुरंत ही कट जाते हैं, लेकिन कारोबारी को ये पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं। ये पैसे पहले सीधे POS सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर अपना शुल्क लेकर कारोबारी के अकाउंट में रकम ट्रांसफर करता है। पैसों के ट्रांसफर होने की इसी प्रक्रिया को सेटलमेंट कहा जाता है। क्या है POS मशीन के फायदे? किसी भी व्यक्ति को खरीदारी करने के दौरान नकद रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की लूटपाट या फ्रॉड की संभावना खत्म हो जाती है। POS मशीन का इस्तेमाल करने से ग्राहक को ज्यादा हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं होती। रकम लेन देन के बाद उसकी सारी जानकारी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड के रूप में तैयार हो जाती है। इसके अलावा POS मशीन का इस्तेमाल करने से टैक्स चोरी जैसी संभावना भी नहीं होती है। जो व्यक्ति अधिक शॉपिंग करता है उसके लिए POS मशीन का इस्तेमाल ठीक रहता है। क्या है POS के नुकसान? वैसे तो POS मशीन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए कभी कभी जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। POS मशीन का इस्तेमाल करने के दौरान पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी होती है। POS सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। इसके बगैर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन या फिर POS सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। POS मशीन का इस्तेमाल करना थोड़ा खर्चीला हो सकता है। दरअसल कुछ POS ग्राहक से मनचाहा चार्ज लेते हैं, जबकि कुछ POS ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप भी अपनी दुकान के माध्यम से कैशलेस वातावरण का समर्थन करें और डिजिटल इंडिया को अपनाएं। POS की सेवा लेने से पहले आवश्यक जानकारी जरूर जुटा लें, जैसे कि आपको कितना चार्ज देना होगा आदि। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।